नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे ज्योतिषी चैनल आरएसपी वर्ल्ड पर। आज के इस वीडियो में 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले एक मुखी से लेकर 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। आपने नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे रुद्राक्ष के वीडियो मिल जाएंगे। रुद्राक्ष की एक प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है जिसमें कि सभी रुद्राक्ष के ही वीडियो हैं, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, 10 मुखी रुद्राक्ष गुरु ग्रह का रुद्राक्ष होता है। गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, जो कि बहुत ही कम प्राइस में आता है, 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ 10 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेना चाहिए। इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाते हैं और आपको जीवन में अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। गुरु ग्रह की बात ही क्या की जाए, मतलब गुरु ग्रह तो गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह जैसा पूरे हमारे जो 9 ग्रह हैं इसमें कोई ग्रह ही नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह होता है। जितने भी हमारे ग्रह हैं, सूर्य भगवान से लेके केतु भगवान तक जितने भी ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह होता है गुरु ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। इसलिए इनका जानवर भी जो है एरावत हाथी, वो सबसे बड़ा होता है। तो गुरु ग्रह के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम पड़ती जाएगी, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा गुरु ग्रह के बारे में बात की जाए। 5 मुखी रुद्राक्ष, भगवान शिव जी को पता था जीवन में व्यक्ति की बहुत सारी परेशानी आएगी और गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो इनकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। 5 मुखी रुद्राक्ष उन्होंने इस धरती पर सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाए और हमें बहुत कम कीमत में उपलब्ध भी कराए। तो भगवान को पता था कि आगे जाके व्यक्ति का भला गुरु ग्रह ही करेगा। उन्होंने 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ ही एक और शक्ति वाला, 5 को कर दिया डबल, 10 मुखी रुद्राक्ष बना दिया यहाँ पर गुरु ग्रह के लिए, कि जाओ ये अमृत समान एक रुद्राक्ष है, इसे धारण करो। इसे तो धारण कर ही लो 5 मुखी के साथ कम से कम, और बाकी और कोई रुद्राक्ष धारण करो चाहे मत करो, लेकिन ये 10 मुखी रुद्राक्ष आप लोग धारण कर ही लो। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसको धारण करने के? बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कुछ फ़ायदों की यहाँ बात करेंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष जैसा कोई रुद्राक्ष दुनिया में नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष भी इस रुद्राक्ष के सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष होता है सूर्य भगवान का और सबसे बड़े ग्रह का रुद्राक्ष या 5 और 10 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो देखिए, धन और बरकत की प्राप्ति आपको होना ही होना है, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर आपने 5 मुखी के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने ये 2 रुद्राक्ष पहने हुए और आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है। 100% आपके पास पैसा आएगा भी और उसकी बरकत भी होने लग जाएगी, क्योंकि गुरु ग्रह का काम ही है पैसा देना, बरकत करना और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति कराना। जिस व्यक्ति का ज्ञान मजबूत हो जाए और उसका मन उसके कंट्रोल में आ जाए, वो अपने जीवन में सही काम करने लग जाएगा सारे। जैसे ही वो सही काम करेगा उसके हाथों से धन का संचय होने लग जाएगा और धन का आकर्षण शक्ति उसके अंदर बढ़ जाएगी। सफलताएं भगवान देवगुरु कारक माने गए हैं सफलता देने के लिए। कम मेहनत में ज़्यादा सफलताएं देने के लिए कारक ग्रह अगर कोई है तो वो है देवगुरु बृहस्पति। और ज़्यादा मेहनत में कम सफलता, मतलब ज़्यादा मेहनत कर रहा है व्यक्ति और कम सफलता, इसका कारक बोला गया है शनि भगवान को, शनि ग्रह को। तो इतने अच्छे होते हैं देवगुरु बृहस्पति। सौभाग्य में आपके वृद्धि होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगा आपका सौभाग्य 10 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद। आप बोलेंगे अब मेरी किस्मत काम कर रही है, इतने महीनों से इतना मेरा जीवन निकल गया लेकिन काम नहीं कर रही थी, अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह स्ट्रांग होना शुरू हो गया। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ता आता है, इसके साथ एक 10 मुखी रुद्राक्ष भी आप लाल धागे में मंडे के दिन पहन लीजिए, आपको जीवन में आनंद आने लग जाएगा। और क्या क्या फ़ायदे होते हैं देखिए, 10 मुखी रुद्राक्ष में भगवान विष्णु की शक्ति समाहित होती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भगवान विष्णु ही होते हैं, इसलिए उनकी शक्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार की उन्नति, यश, कीर्ति और संपन्नता प्राप्त करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष तंत्र मंत्र के बुरे प्रभावों से मुक्ति दिलाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष सभी पापों से मुक्ति प्रदान करता है, वंश में वृद्धि करता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को संतान का भी कारक बोला गया है, इसलिए कुंडली में 5वां घर जो संतान का है वो देवगुरु बृहस्पति वहाँ के कारक ग्रह माने गए हैं। तो 5 मुखी 10 मुखी रुद्राक्ष आपने धारण किया है और आपको वंश वृद्धि में अगर प्रॉब्लम आ रही है, ये धारण कर लीजिए, आपकी वंश वृद्धि होने लग जाएगी, मतलब आपको संतान सुख मिल जाएगा। 10 मुखी रुद्राक्ष
पूजा स्थल में स्थापित कर नित्य पूजा करने से अथवा धारण करने से सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सभी क्षेत्रों में सुरक्षा, उन्नति, समृद्धि और संतान सुख के इच्छुक व्यक्ति को 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इतने सारे लाभ होते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है ये। देवगुरु बृहस्पति वो बृहस्पति, वो ग्रह जो कुंडली में 5-5 ग्रहों का मालिक होता है। सिर्फ अकेला देवगुरु बृहस्पति एक ऐसा ग्रह होते हैं जो कुंडली में 5-5 ग्रहों के मालिक होते हैं। बाकी सारे ग्रह सिर्फ 2-2 ग्रहों के मालिक बनाए गए हैं। लेकिन भगवान को पता था व्यक्ति का जीवन चलाने के लिए, जैसे कि एक सभा में राजा को फैसला लेने के लिए गुरु की एडवाइस लेना जरूरी होती है, वैसे ही भगवान को पता था कि व्यक्ति को सफल होने के लिए भी उसके जीवन में गुरु होना चाहिए। तो कुंडली में 5-5 घर के कारक बना दिए गए देव गुरु बृहस्पति को। 5 मुखी रुद्राक्ष को सबसे ज़्यादा पैदा किया गया ताकि व्यक्ति एक रुद्राक्ष ना खरीदते हुए पूरी की पूरी माला ही इसकी खरीद ले और उसको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाए। तो इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम रुद्राक्ष जैसे अमृत को धारण नहीं करेंगे और ख़ास तौर पर 10 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ माना जाएगा। हर व्यक्ति को अगर सारे रुद्राक्ष धारण नहीं भी करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएगा। कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपका गुरु ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। गुरु ग्रह जिस व्यक्ति का मजबूत होता है वह असफलताओं को जीवन में देखता ही नहीं है, उसके हाथों से काम हो जाते हैं और उसको बाद में वो जब बड़े से बड़े काम कर लेता है फिर वो व्यक्ति सोचता है कि अच्छा इतना बड़ा काम मेरे हाथों से हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये है गुरु की कृपा, अपने आप ही आपके मुंह से निकलने लग जाएगा कि ये गुरु की कृपा के कारण ही इतना कठिन से कठिन काम जो लोग सोचते रह जाएंगे आप वो कर जाएंगे और आप फिर खुद सोचेंगे कि ये काम मैंने कर लिया। सफलताएं तो इतनी ज़्यादा देते हैं गुरु ग्रह देव गुरु बृहस्पति कि आपकी बहुत कम मेहनत होती है और आपको सफलताएं ज़्यादा मिलती है। आपसे काम ही ऐसा करवाते हैं कि कम मेहनत में आपको ज़्यादा धन देते हैं। जैसे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य किस चीज़ के कारक हैं कि व्यक्ति को पैसा तो बहुत देंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी, लेकिन उस पैसे का संचय नहीं कराते वो पैसा देंगे और भौतिक सुख सुविधाओं में और वो सारा पैसा जो है उसको यूज़ करवा देंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि भगवान विष्णु हैं, जो कि कुबेर भगवान हैं, जो धन का संचय करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि आपको पैसा देंगे और आपसे खर्च भी नहीं कराएंगे, उसका संचय कराते जाएंगे। आपका पैसा धीरे धीरे बचने लग जाएगा। आपके हाथ से अगर पहले फिजूल खर्च होते थे, आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ, आपका पैसा आपके पास एक तो पहले के मुकाबले ज़्यादा आने लग जाएगा और संचय भी होने लगेगा। आप खुद अचरज करेंगे कि ये क्या हो रहा है कि मेरे हाथ से पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही कौन सी चीज़ें हो गई। सीधी सी बात है, आपका गुरु ग्रह एक्टिवेट हो गया है, अब आपको शुभ प्रभाव प्रदान कर रहा है। और ये जो हमारा जीवन है ना, ये गुरु ग्रह ही है। इतना आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में हम जितना भी जो जीवन जी रहे हैं वो सब गुरु ग्रह ही होता है। इस वीडियो में गुरु ग्रह के बारे में आपसे बात करनी थी, 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बताना था। मत पहनिए कोई सा और रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, आप जीवन में चमत्कार देखने लग जाएंगे। होगा ही होगा, इतना हम हमारी तरफ से आपको बता रहे हैं। कैसे मिलेगा, कितनी इसकी प्राइस है, कैसे आप तक पहुंचेगा, सिद्ध अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठा जागृत किया हुआ गुरु ग्रह का 10 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष, इसकी जानकारी आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, कॉलिंग नंबर पर जो कि स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है ले सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी इसकी दे दी जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी लेके। तब तक के लिए देव गुरु बृहस्पति भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो और शिव भगवान की जय हो। ओम साई राम, जय माता दी।